तो चेतावनी देवा था मैं हाँ। अब मैं गांव में आ चुका हूँ, आप मनाना बंद कर दो। ज्योति शर्मा रतन यादव पहुंच गए हैं, ये चेतावनी है समाजवादी। आवाज तेज आना चाहिए। मेरी बहन, माता, बंधु, मेरे भाई हाथ उठा करके नारेबाजी करेंगे जोश के साथ में। पादरी पादरी मुर्दाबाद, 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 पादरी पादरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप सब लोग, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ईसाई मिशनरी बन जो हमारे घर आते धर्मांतरण करे बार मतलब रोके के काम आप ही मतलब करना है। वो मना ज्यादातर देखे नॉलेज नहीं है, थोड़ा कम नॉलेज है तो डराए प्रयास करते। पुलिस ऐसे कर ही, पुलिस अब ऐसे कर ही, हमारा कुछ नहीं करा था। लेकिन असलियत ही हरे ये मन हमारे भोली भाले जनता ला जेला थोड़ा ज्ञान के कमी होते वो मतलब पहला फुसला के अपन धर्म में मतलब थे और उसके बाद हमारे देवी देवता के फोटो मतलब घर से बाहर निकलवाते। मैं हर आप मन से कहना चाहता हूँ कि ऐसा टाइप के ईसाई पास्टर मन जब हमारे गांव आते तो ओला रोके काम आप ही मतलब करना है। एमन है ना लात के भूत हरे, बात से नहीं माना है, मतलब लात मारे की जरूरत पड़ी कभी कभी तो लात भी मारना है। लेकिन डायरेक्ट लात नहीं मारना है, पहले वो मतलब रोकना है, टोकना है, नहीं समझ तैयार रहू नहीं भागी आप तो नहीं देवन आप पूरा मोहल्ला गंदा कर ही। आज पांच घर बने ईसाई, आने वाला समय 50 घर ईसाई बनी हम सब देखा रही। एक कारण अगर कोई तुम्हारे रिपोर्ट करा जाओ कार्रवाई नहीं होगी। कई बार ये बोले कि अरे भाई ये तो पति पत्नी झगड़ा है, ये फलाना झगड़ा है। लेकिन असलियत ही हरे ये कमीना मरा हमार हिंदू धर्म ला तोड़ा थे और धर्मांतरित कर हमारा आदमी मल्ला। ये मल्ला कभी कभी जरूरत पड़े ठोकने की जरूरत पड़े तो ठोकने में कभी लगते नहीं। ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे, ठोकेंगे कि नहीं ठोकेंगे। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज आप लोग को आश्वस्त करता हूँ, मैं आप लोग के साथ अंतिम स्टेज तक लेकर जाऊंगा। ये धर्मांतरण को छोड़ना नहीं है, जो भी धर्मांतरण करता है उसको तोड़ना है। जब प्रार्थना जैसे कोई कार्य नहीं करने देंगे, ये हिंदुओं की बस्ती है, अगर किसी को प्रार्थना करना है तो जाए अपने चर्च में प्रार्थना करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे हिंदुओं की बस्ती में आकर ये प्रार्थना करने का काम अगर करेंगे तो हम इसका प्रतिकार करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे हाथ में है हमारे धर्म को बचाना। ना कोई मंत्री आएगा ना कोई नेता आएगा इसको बचाने, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हिंदू समाज को आगे आकर के ये धर्मांतरण का कार्य रोकना होगा। रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, रोकेंगे, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, रोकेंगे। आज ये गांव वाले हैं, आपके यहाँ किसी प्रकार का धर्मांतरण होता है तो तत्काल पुलिस को सूचना करें। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मेरा हाथ नंबर 24 घंटे मेरा नंबर चालू रहता है। बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता को अगर फोन करके बुलाएंगे तो वो पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं जिस क्षेत्र में हो रहा है वहाँ की जनता आवाज उठाए तब जाकर तो आप मोहल्ले में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करेंगे। जो भी आपको करना है अपने चर्च में जाइए, हिंदुओं की बस्ती यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन निवेदन कर रहे हैं उनको बुलवा करके आप वाचक मार नहीं देना, नहीं तो फिर क्या है ना कि सभी लोग चाह रहे हैं आक्रोश बढ़ जाएगा है ना। कोई घटना हो गई समझाइए जरूरी है। पड़ोसी में है तो ये लोग प्रॉपर संडे को फ्राइडे बाकायदा लाउड स्पीकर के साथ एकदम बवाल करते हैं, शोर शराबा करते हैं और असामाजिक तत्व आते जाते संडे के संडे शुक्रवार बहुत से लोग जो हम नहीं जानते। ललित भाई सर को नाम दे दो, आप नाम नाम दे दो, वो बुला करके अपने यहाँ कलेक्टिव के नाम
और उनका पर्सनल असामाजिक तत्व थाना जाना पड़ गया हमारे मोहल्ले में। ब्रेक किया था लेकिन ठीक है सर, बस इतना ही आपको घेरे आए थे। चलिए जय जय श्री राम, सहयोग बना रहेगा सभी को, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कई ठोक साहू परिवार के लोग ईसाई बनते चले जा रहे हैं, बहुत दुख का विषय है। मैं साहू समाज के लोगों से भी इस मंच के माध्यम से, इस गांव के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, साहू समाज के मुखियाओं को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों से निवेदन है कि समाज में बढ़ते ईसाईकरण को ध्यान में रखते हुए आप अपने समाज की बैठक ले और वहां के लोगों को समझाएं कि ये कहीं ना कहीं पर प्रलोभन देने का काम, चिकित्सा, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई तो तबीयत को ठीक करने का बहाना, और ये तबीयत को ठीक नहीं कर सकते। अगर तबीयत खराब हुई तो उसे डॉक्टर ही ठीक करेगा, लेकिन ये लोग कोई पानी देते हैं, जल देते हैं और बोलते हैं ये ठीक हो गया, जबकि ये गलत बात है। कहीं ना कहीं अंधविश्वास को ये बढ़ावा देते हैं और ये लोग हमेशा हमारे देवी देवता को हमेशा ये लोग छोटा दिखाने का काम करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हमारे हिंदू धर्म में कैसी छोटी देवी देवता है, उसके बावजूद भी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है।